अभी हम मौजूद है मनीष कश्यप के घर पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है, कहेंगे थोड़ा उधर दिखा दीजिए। अभी मेरे सामने जो जो दो महिला दिख रही है, एक कुशीनगर से चल कर आई है, टेम्पू से चल कर आई है। चलिए इन लोगों से बात करते हैं, इतना दूर से कैसे यहाँ पे आई है मनीष कश्यप से स्पेशल मिलने के लिए। सबसे पहले मेरा चैनल आप लोग का स्वागत है, दोनों आपका चैनल है भैया जी, स्वागत है। और मेरा नाम है मुस्कान ऑटो वाली, और मैं गाड़ी चलाती हूँ, तो और अपने चैनल का नाम रखे है मुस्कान ऑटो वाली, तो मेरा मुस्कान ऑटो वाली ही नाम है। अच्छा, आप खुद का अपना ऑटो रखी, ऑटो चलाती हैं? जी खुद के ऑटो है, और ऑटो चलाते हैं, ऑटो चला के 200 किलोमीटर आए हैं, और 4 बजे से हम लोग घर से निकले हैं, और आते आते समझिए 3 बज गया हम लोग को। अच्छा, आपने कमाई धमाई छोड़ कर दो पैसा आप रहती वहाँ पे तो कमाती, तो यहाँ पे आने का क्या जरूरत था? ऐसी बात नहीं भाई, जब गाड़ी लेके मैं कहीं जाती हूँ ना, तो अपना दो पैसा कमा लेते हैं, फाइनेंस भर के पैसा निकल जाता है, वो गाड़ी जो ली है तो फाइनेंस पे लिए हैं, और जहाँ पर भी मैं घूमते घामते भी पैसा कमा लेती हूँ, तो इसीलिए चले आए। और भैया जी से मिला भी हमको जरूरी था। अच्छा। अगर अपना गाड़ी नहीं रहता तो ट्रेन से आते और थोड़ा दिक्कत ही होता, और अपने गाड़ी से आए हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं आया, सवारी बैठाते उतारते अपना चले आए हैं। तो आपके घर पे कौन कौन फैमिली में है कि आप ऑटो चलाती हैं? मेरे घर पे फैमिली में कौन कौन है, बस मेरा सास ससुर है, मेरा पति है, मेरा लड़का है, और मैं हूँ, और कोई नहीं है ससुराल में। तो आप ऑटो चलाकर पैसा कमा रही हैं, घर पे आपके पति हैं जो काम नहीं करते, जॉब वॉब नहीं करते? पति देव जी भी जॉब करते हैं, और ऐसी बात नहीं है, जो भी इंसान पढ़ाई लिखाई करता है तो जॉब ही करता है, प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, तो प्राइवेट जॉब करने से सही है जो अपना खुद का नौकरी करे, किसी के फाउंडेशन में मेरे को काम करना पसंद नहीं रहता है। अच्छा, आप यूपी से आ गई हैं यहाँ पे, कब से मनीष कश्यप को जान रही हैं आप? भैया जी को जब से मतलब वीडियो मतलब बना रहे हैं, तो जब वीडियो अपना बनाएंगे तो दूसरा वीडियो देखना पड़ता है, तो अभी से 3 महीना से भैया जी को जान रहे हैं, और 3 महीना से उनके बारे में बहुत अच्छा से भी जान लिए हैं, और भैया जी तो सीएम बन जाएं बिहार के तो बहुत अच्छा है, उसी लायक भैया जी हैं। मैं तो ये उम्मीद लगा के बोलने आई हूँ कि भैया जी से मैं बोलूँगी भैया जी आप सीएम बन जाए, पर भैया जी के इतना तो बोल नहीं पाऊँगी, बोलूँगी तो इतने लोग को बीच में बोलेंगे, ना पता भैया सामने से इतना बात मेरा सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, पर वीडियो तो भैया जी सबका तो वीडियो तो भैया लास्ट में देखेंगे ना। तो उनको वोट नहीं ना दे सकती आप, तो उपी से आती है ना, तो वोट नहीं दे सकते हैं, तो इतना उनको मतलब लगेगा कि एक लड़की गोरखपुर से चल के ऑटो चला के मुस्कान ऑटो वाली, उसका चैनल के नाम भी है, और इतना बातें बोल के गई है, भैया जी इलेक्शन में खड़े होंगे तो मैं अपने ऑटो लेके आऊंगी, प्रचार भी करूंगी। मनीष कश्यप को कुछ लोग है की अपराधी बताते हैं, बहुत सारे गलत काम किए थे, जेल में थे 9 महीना तक, आप उनको बहुत अच्छा बता रही है, सीएम को दबादार कर रही है, कहा ऐसे आप कर रही है? अरे बहुत लोग तो भैया जी के अच्छा काम करते हैं तो उनको लोग नीचा गिराने के लिए कोशिश करते हैं, उनको साजिश में लोग, हाँ, पर भैया जी को कोई नीचा नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि भैया जी को तो भाई प्रभु जी का देन है, जो सब जनता को देख रेख करते हैं और सबको हाथ पकड़ के खींचते हैं, पाँव पकड़ के नहीं खींचते हैं, इसीलिए लोग भैया जी को मतलब मनीष कश्यप भैया जी को लोग पाँव पकड़ के खींचना चाहते हैं, पर उनका कोई पाँव पकड़ के खींच नहीं पाएगा। उनसे भी बात कर ले मैडम से। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अनीता कुमारी। अनीता कुमारी, दोनों आदमी अपने साथ में आई है? जी दोनों लोग साथ दोनों में, दोनों बहन है कि क्या है? नहीं बहन नहीं है, हम लोग साथ में ही ब्लॉगिंग करते हैं, कहीं आना जाना रहता है तो साथ में ही आते हैं जाते हैं। आप कैसे मनीष कश्यप से मिलने के लिए उतना दूर से आ गई हैं? एक शौक है भैया से मिलने के लिए, इतने दिनों के बाद आए हैं तो हम लोग मिलने के लिए आए हैं, उनको देखने के लिए आए हैं। बिहार में आपको आकर कैसे लग रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? बिहार में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा तो भैया जी के घर पे हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे इतना इज्जत मिल रहा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, सबसे अच्छा ये चीज़ लग रहा है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़की चाहे औरत बहुत सेव है, उतना सेव आप यहाँ पे बिहार में लग रही हैं आप? बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ आ करके सेव आए, क्या हम लोग को यहाँ कोई जान से थोड़ी मार रहा है, हम लोग वहाँ गाड़ी से उतरे हैं, वहाँ से बहुत वहाँ लोग भैया लोग बोले हैं कि आप लोग साइड में गाड़ी लगा दीजिए और आइए, वो लोग ले कर क्या है, वहाँ भी कुर्सी मिला है बैठने के लिए, यहाँ भी कुर्सी मिला है बैठने के लिए, बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान मिला है।